ऋण लेते हो और हम तो अनपढ़ दे तो नहीं बोल पाए। बाला, लक्ष्मी, करुणा भले ही नहीं पढ़े लिखे हो लेकिन वो तुम्हारे साथ रहते, उन पर तुम्हारा असर हो गया और उनका आत्मसम्मान जाग गया। लेकिन हम तो ना तुम्हारे साथ रहे ना पढ़े तो हमारा तो आत्मसम्मान ही मर गया। कल नहीं जाऊंगा काम पर, चाहे इसे जो कहेंगे फिर भी नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती करेंगे फिर भी नहीं जाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अभी अपने घर जाकर सो जाइए। हाँ सो जाइए, हम कल सुबह बात करते हैं। सुबह बात मैं भी करता हूँ, सुबह बात करेंगे। काका जनार्दन, भीम इसे ज्यादा नशा हो गया है, सो गया, मुझे सहारा दे, इसे इसके घर छोड़कर आते। चल रमा, तुम भूल गई हो क्या, हम तीनों जनार्दन, जोकू और हितेश हैं, जो जीवन में कुछ भी कर लेंगे लेकिन वो नहीं करेंगे जो राम जी, भीम और तुम कहोगी। आई बात समझ में? हाँ काका, इन्हें बताइए कि काम पर ना जाने का फैसला हमारा नहीं है, आपका खुद का है। जनार्दन, ये तुम्हारा फैसला है? ये क्या कर रही है, झूठ बोल रही है। कैसे नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। देखिए काका, अब डरिए मत, दिल में जो भी है कह दीजिए। कह तो रहा हूँ, और तुम्हें कैसे पता कि मैं काम पर नहीं जाऊंगा? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे पी मैंने और नशा तुम्हें हो गया या? कहीं रमा भी ये मानसिक गेम खेल रही हो? कई बार अपनी सोच दूसरों के माइंड में डाल दी जाती है, कहीं वही तो नहीं कर रही ना रमा? या फिर दुखी हो, गुस्से में झुंझला कर ये ट्राई तो नहीं कर रही कि इन तीनों में से किसी का किसी ना किसी तरह काम छुड़ा दे? नहीं, रमा की ही समझने में गलती हो गई होगी। आप तीनों जाइए काम पर, और किसी के काम करने से हमें दिक्कत होने का क्या कारण है? अंदर चलो, आओ। आप तीनों जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं यहाँ आई थी तो सोचा आप सभी के साथ चली चलूं। आती हूँ दीदी को लेकर। आज शाम को मैं दीपक का बर्थडे धूमधाम से मनाऊंगी। नाचना, गाना, खाना पीना सब होगा। आप लोग सब आइए और अपने पड़ोसियों को भी बुला लीजिए। अरे वाह, ये दीपक भीम से इतना प्रभावित हो गया है कि अब इसे भी अपना जन्मदिन मनाना है। भीम सही तो कहता है दीपक, जब वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तब मनाएगा अपना जन्मदिन।
आई, अभी तो बस मैं ये याद रख लेता हूँ कि आज के दिन मैं पैदा हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब हमें मौका मिलता है इस दुनिया में खुद को साबित करने का। इसलिए इस दिन को मनाकर हमें हमारे जन्म लेने पर गर्व करना चाहिए। फाइनल, दीपक का बर्थडे शाम को मनाएंगे। हाँ, मनाते हैं। और आरती, तुमने बहुत अच्छा किया। आज तक इस चाल में केवल भीमराव का जन्मदिन मनाया जाता था, लेकिन आज दीपक का मनाया जाएगा। इससे तुम इस चाल की परिपाटी को तोड़ डाल। हितेश काका, जिसका जन्मदिन है उसके बारे में बात कीजिए ना, मेरे पति के बारे में क्या बात कर रहे हैं? सर, ऐसे किसी को थप्पड़ मारना गलत है, और इन्होंने आपसे सॉरी भी कहा था, फिर भी आपने मारा। लिसन, मैं इसका बॉस, इसका ही क्यों? पूरे इस कंट्री का बॉस हम अंग्रेज है। जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन अन्याय नहीं, चाहे जो कुछ भी हो, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीमराव, तुम जाओ, ये मेरे साथ और मेरे बीच की बात है। मैं जाऊं? आप आवाज नहीं उठा पा रहे, इसलिए तो मुझे आना पड़ा। डेविड सर, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीमराव, भीमराव, डरो मत से। मैं सिस्टम हूं, पूरी व्यवस्था। तुम एक मामूली से स्टूडेंट। I will destroy your career and life. Now listen, तुम्हारी वजह से इसकी नौकरी गई। सर, सॉरी सर, प्लीज सर, सर। डेविड सर, भीमराव अंबेडकर नाम है मेरा। जब से मैंने होश संभाला तब से न्याय के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। क्या हुआ आरती? रमा, क्या हुआ इसको? पता नहीं काकी, पता नहीं, जी मचल रहा है, उल्टी जैसी लग रही है, चक्कर भी आ रहा है। अरे बधाई हो, तब तो आरती माँ बनने वाली है। क्या? लेकिन आरती तो अभी कुंवारी है ना? भीमराव जैसा छोटा आदमी मुझसे न्याय के लिए लड़ेगा? कभी गलती से भी मुझसे उलझाना तो उसकी सारी होशियारी मिट्टी में मिला दूंगा।
बात मुझे सच सच बता आरती। क्या हुआ बता, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, बता। बताओ ना, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। कौन है आरती? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। तूने पूरी इज्जत खाक में मिला दी। लोग हंसेंगे हम पर, दुखेंगे हम पर। ये कैसा पाप किया तूने? ये पाप नहीं है दीदी, ये मेरे और डेविड सर के प्यार की निशानी है। वो अंग्रेज, ये तूने क्या किया आरती? ये तूने क्या किया? दीदी, दीदी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपको पता, उन्होंने ये भी कहा है कि वो मुझसे शादी करेंगे और लंदन अपने परिवार वालों से मिलवाने भी ले जाएंगे। ये सब पाप, पाप सब इसी देश में है। उनके देश में ये सब पाप नहीं होता। वो बहुत अच्छे हैं दीदी। देखना, मैं अभी जाऊंगी ना उनके पास और ये सब बताऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। आरती, मैं क्या कहूँ अब तुझसे? अच्छा ठीक है, तू जा और कर ले उनसे ब्याह सबके सामने, या फिर तू भाग जा उनके साथ उनके देश, जहाँ ये पाप नहीं, यहाँ ये पाप है। समाज वाले हमें जीने नहीं देंगे। हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे आरती। शांत हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांत हो जाए, पर क्या पता आरती जी जो कह रही है वो सही है। वो उन दोनों का प्रेम ही है। अब शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए घर चलते। नहीं रम्मा, मैं चाल वापस नहीं जाऊंगी। मैं वहां जाके अपना क्या मोदी कहूंगी? वहां सब लोग बहुत बातें करेंगे और मेरे पास जवाब एक भी नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगी रवा। शांत, एक परिवार है ना, परिवार सुख दुख में साथ नहीं देगा तो और कौन देगा? चलिए उठिए। नहीं रमा, मैं नहीं जाऊंगी। काकी, आपका बेटा दीपक इंतजार कर रहा होगा आपका चाल में। चलिए, और आपको भीमभाव और बाबा पे भी भरोसा है ना? आप चिंता मत कीजिए, वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। अब चलिए बस। एक बार दरवाजा खोलिए आरती जी। आरती जी, व्हाट इज हैपनिंग? कौन है वहां पे? आने दो ने। क्यों चिल्ला रहे? साहेब आरती कहाँ है? कौन आरती? वही आरती जी जिनका हाथ पकड़कर आप जबरन गाड़ी में बैठा रहे थे, उन्हीं का नाम आरती है। मालिक के सर्वन का नाम याद नहीं रहता? अब याद आ गया ना, तो सर अब बता दीजिए आरती जी कहाँ है? आरती कहाँ है?
ये क्वेश्चन तो मैंने तुम लोगों को पूछना चाहिए। कल रात गए थे किसी के बर्थडे पार्टी के लिए, अब तक नहीं लौटी। कहाँ है आरती? साहब ऐसा मत बोलिए, वो आपके पास ही आ रही थी। मगर आ ही तो नहीं। साहब आधे रास्ते तक तो वो हमारे साथ ही थी, वो आपके पास ही आई होगी। सर आपका प्रमोशन लेटर आ गया। वो मेरे पास ही होने चाहिए, ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो काके हिम्मत कीजिए और बता दीजिए, क्योंकि वो आपके बच्चे की मां बनने वाली है। How dare you? बच्चा किसका बच्चा? आपका बच्चा सर, और इसीलिए आरती जी आपसे बात करने आ रही थी। I don't know कि वो कहां पे है। अब तुम सब लोग सोच कैसे सकते हो कि मैं एक इंडियन से प्यार करूंगा, और इसके आगे अगर तुम लोग कुछ भी कहोगे तो हर किसी की खाल खींच लूंगा। से बात करनी है। चलो निकलो। चलो जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक मिनट बात करने दीजिए। रुक जाइए, बस हो गया, रुक जाइए, जा रहे हैं हम। बोलो, बोलो, देखिए सर याद कीजिए, मैंने पहले भी आपसे एक बात कही थी, जब से मैंने होश संभाला तब से न्याय के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। याद आया आपको? तो इस बात को अच्छे से याद रखिए। और मुझे अभी भी लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप कसूरवार निकले मैं छोड़ूंगा नहीं आपको सर। प्रमोशन तो हो ही गया, कुछ दिन और यहां पे ही जो करना है कर सकते हैं। For now, get lost. अरे बाहर निकालो, चलो चलो। आप मेरी बात मान लें, फायदे में रहोगे। मैंने आपके साथ फायदे के लिए प्यार नहीं किया। प्यार नहीं, लालच था। तुम्हें ये सारा लग्जरी और सुख सुविधाएं मिलने लगी, लंदन जाने के सपने देखने लगे। तुम छोटी जात की लड़की मुझसे शादी करने के सपने देखने लगे, और तुम उसी को ही प्यार बांध देते। नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही सपने देखती थी। पहले आपसे प्रेम हुआ, आपके दम पर सपने देखने लगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप मुझसे मैरिज कर लीजिए और मेरे बच्चे को अपना नाम दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये सब झूठा, ये सब होने से रहा। बस यही तुम्हारे इसी जीत के चक्कर में तुम्हारे कारण तुम्हारे शोभा दी थे और तुम्हारे चाव के सारे परिवार का लाइफ में करप्ट कर दूंगा। तो चुपचाप मैं जो बोल रहा हूं मान जाओ, और देखता हूं कि कौन रोकता है बेटे और कौन तुम्हें बचाता है, तुम्हारे दीदी और तुम्हारे परिवार का। भीम राव अंबेडकर, क्या कहा?
हाँ वही वही बचाएगा जो आज तक उस चौल में सबको बचाता आया है, भीम राव अंबेडकर। आज रात होते होते मैं तुम्हें बॉम्बे से। भीमराव से पहले भी कई बार बड़े लोगों से उलझ चुका है, पता नहीं कैसे ज्यादातर बार वो जीत गया। कानून न्याय पर उसको बहुत विश्वास है। वैसे तो वो हाँ अपनी पढ़ाई को ना अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता है। बहुत गरीब है लेकिन बड़ौदा के राजा सयाजी महाराज की स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। और हाँ सर, यहाँ लोकल में ना उसके दो सबसे बड़े दुश्मन है, नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव। नहीं साहब, ये सही नहीं है, हम बताते हैं। प्रणाम साहब। नरोत्तम जोशी जी और प्रचंड देव जी ही नहीं, हम दोनों भी भीमराव के दुश्मन ही हैं। लेकिन तुम तो उसी की जाति के हो ना, वो तुम्हारी जाति की बड़ी चिंता करता है ऐसा सुना है मैंने, तुम उसके दुश्मन कैसे हो? औकात से ज्यादा भार उठाने वाले गिर जाते हैं, भीमराव भी वही है। वो तो हमारी जात के लोगों को बरगलाकर ये कोशिश करता है कि हम सब ये सोचे कि हम सब राजा महाराजाओं की तरह हैं। और साहब वो तो यह कोशिश करत रहत है कि हम ओका सबसे ज्यादा समझदार और बुद्धिमान आदमी माने और साथ ही साथ ओका अपन नायक भी मान ले। मैं तुम्हें मौका देता हूँ भीमराव को हराने का, उसके सामने नायक बनने का। उसके लिए क्या करना होगा? वो रूम देख रहे हो? हाँ साहब। वहां पे आरती कैद है, चाहे जो हो जाए हमें भीमराव को रोकना है। हाँ साहब। और ये सुनिश्चित करना है कि वो उसे वहां से आजाद ना कर पाए। वेट। डरो नहीं, ले लो। साहब चलाना नहीं आता है। किसी का देगा तुम्हें? समाज के लोग खोलते हैं। और कानून इतनी जल्दी हमारी मदद करेगा नहीं तो बचता है समाज। और तेरे समाज की इतनी औकात तो है नहीं भीमराव कि वो डेविड के घर में घुस सके। और रही बात हमारे समाज की, सभ्य समाज की, तो वो लोग तो तेरी मदद करने से रहे। क्या जोशी जी, फिर से चुनौती दे देना, फिर से आप प्यार हैं क्या रमा भाई? मुंह दिया है तो कुछ भी बोलोगे हैं? क्या कहना क्या चाहती हो कि हमारे समाज के लोग तेरे पति की मदद करेंगे? हाँ नरोत्तम जोशी जी, एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ है और आप उस लड़की के विरोध में खड़े हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जाइए यहां से। सुना, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म आती नहीं राम जी। वो लड़की डेविड वो सब गए भाड़ में। मुझे ना उस लड़की से मतलब है ना ही डेविड से, मुझे मतलब है सिर्फ इस भीमराव से कि ये इस चुनौती को कैसे पूरा करेगा। कर लेंगे,
भीमराव इस चुनौती को भी पूरा कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही लग रहा है ना तुम लोगों को कि हमारी समाज के लोग मदद करेंगे तुम सबकी? बहुत भ्रम में हो तुम सबका भ्रम मैं तोड़ता हूं। यही खड़े रहो, मैं अभी अपने समाज के लोगों को बुला कर लाता हूं। आनंद आपका आदमी बनकर चिल्लाएगा कि भीम डेविड के घर में घुसकर छिप गया है। आनंद की बात सुनकर आपके आदमी डेविड के घर जबरन घुसेंगे। इतने सारे लोगों को डेविड रोक नहीं पाएगा। पीछे से हम लोग जाएंगे और डेविड के घर से आरती को ढूंढ निकालेंगे। और जोशी जी, समाज के ताकत का उपयोग आज मेरे पति ने किया, और वो भी डेविड जी के घर का दरवाजा खोलने के लिए। अब समझ में आ गया ना सब? अब चले देखते हैं क्या होता है डेविड जी के घर। चलो चलो चलते हैं। वहां जाने से पहले ये भी याद रखो कि डेविड के घर पर सरकारी बंदूकें भी हैं। ये जो तमाशा तुम लोगों ने फैलाया है, इस भगदड़ में अगर किसी एक को भी गोली लग गई तो उसका कसूरवार तुम सब होगे, और सबसे बड़ा कसूरवार होगा वो भीमराव। क्योंकि ये योजना उसी की थी, समझे? आई, आपको मुझ पर विश्वास ना हो पर भीम भैया पर विश्वास रखिए। उड़ गए ना डेविड के घर पे, छुड़ा के लाएंगे मौसी को। आई, अरे गई है ना, आए तो नहीं? जब आए ना तब समझाना, शेर के पिंजरे में जाना बहादुरी नहीं है, वहां से लौटकर आना वो बहादुरी है। ठीक, शर्त लगाएंगे, भीम भैया शेर के पिंजरे में जाकर सुरक्षित आएंगे, उन्हें खरोच भी नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। अगर आपको अपनी बातों पर विश्वास हो तो लगाइए शर्त। सही कह रहा है दीपक, लगा दे शर्त जीजा भाई। वैसे तो हवा में बहुत बातें करती रहती है, अब शर्त की कसौटी पर अपनी बात रख। हाँ जीजा भाई, लगाओ ना शर्त। हाँ लगाओ लगाओ, लगा लो शर्त जीजा भाई। हाँ जीजा भाई, सोच कर रही हो, शर्त लगा लो। हाँ लगा ले शर्त। ठीक है, बोलो दीपक क्या शर्त लगानी है। हर बार भीम परिस्थिति से वैसे नहीं निकल सकता जैसे वो चाहता है, बोल। बताऊंगा, पहले भीम भैया को आने तो दीजिए। ठीक है, मैं भी इंतजार करती हूँ। देखती हूँ कि भीम वो डेविड जी के घर से आरती को कैसे वापस लेके आता है। इतना आसान है क्या? आप सब रुकिए, मैं आरती जी को वहां से लेकर आता हूँ। भीमराव, भीमराव आगे मत बढ़ना, ये तो गोली चला दूंगा। चलाइए काका, आप अपना काम कीजिए, मैं मेरा काम करूंगा। भाषण नहीं, गोली चला। क्या हो रहा है इधर?
आइए सर आइए। क्यों डेविड सर के यहां तमाशा लगा रखा है? दरोगा साहब, ये दोनों भाई इन्हीं ने उत्पाद मचा के रखा है, तमाशा लगा के रखा है। एक काम कीजिए, इन्हें पकड़ कर लेकर जाइए। बंद कर दो जेल में सबको। एक मिनट दरोगा साहब, मैं बताता हूं सच्चाई क्या है। आरती जी, दीदी बस बस कुछ नहीं होगा, आपको शांत हो जाइए आप। दरोगा साहब, जाकर देखिए उस कमरे में, अगर इस अवस्था में पड़ी लड़की को बचाना, यहां से छुड़ाना जुर्म है तो फिर मैं अपराधी हूं। ले जाइए गिरफ्तार करके मुझे अपने साथ। बस बस दीदी, आरती जी शांत हो जाइए, बस बस शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए घर चलिए, चलिए घर चलिए। चलिए यहां से। सर सर, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। वो लड़की, वो कल भी खिलौना थी, अब भी खिलौना है और हमेशा खिलौना ही रहेगी। तो लेकिन हाँ, आपको एक चीज बदलनी पड़ेगी। आपको आपके खेलने का तरीका बदलना होगा सर। खेलने का तरीका समझो नहीं, कुछ डिटेल में बात आ रहा हूं। मैं समझाता हूं। वो भीमराव जब FIR लिखवाएगा, उसके ठीक 72 घंटे के अंदर मैं वो FIR मिटवा दूंगा। मेरी भी सर। ग्रेट यंग बॉय, अगर तुम ये कर सको, मैं तुम्हें अंग्रेजी हुकूमत में एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। वेल थैंक यू सर, बस बस अब आप कुछ सोचिए मत, देखते जाइए। इधर आओ। समझ गए? जी समझ गया। बचपन में जब मैं कुछ अच्छा काम करके घर लौटता था, तब मेरी आई ऐसे ही दूध बना कर लाती थी।
आज भीमा भाई की याद आ गई। हाँ बुआ, राजाई को याद करके बहुत अच्छा लग रहा है। और उन्होंने मुझसे हमेशा कहा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे लंदन ले जाकर अपनी फैमिली से मिलवाएंगे। अरे नहीं नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन पहली बार डेविड सर और तुम कब? दरोगा साहब, ये क्या बेहुदा सवाल पूछे जा रहे हैं? इस सब का क्या लेना देना है? अरे सब लिखना होता है भीमराव, एक एक चीज बारीकी से लिखनी होती है। अरे बताओ ना। हाँ हाँ, विस्तार से बताइए बताइए। हाँ हाँ, पूरा बताओ। अरे बताइए। अरे बताओ ना। अरे 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 सुनो तो, अरे बताओ ना पूरी बात। एकदम सही किया। क्या है, बड़े फैसले जोश में नहीं होश में लेने चाहिए। आरती जी देखिए, अब डरिए मत, ये लोग डरिए। आरती डर, डरना जरूरी है तेरे लिए, डर। और डर कर जो ये तूने फैसला लिया है एकदम उचित लिया है, और तेरे इस फैसले से मैं भी खुश हूं। चल तेरी थोड़ी और मदद करता हूं। यहां से सीधे हम डेविड जी के घर जाएंगे। मैं उनसे कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि तुम्हारी थोड़ी मदद करें। वो तुम्हें इतने पैसे दे देंगे कि तुम्हारा पूरा जीवन आनंद में व्यतीत होगा। निश्चिंत रहो। खुश हो? आरती जी, ये नरोत्तम जोशी कभी सच नहीं कहते। अभी लालच दिखाकर न्याय को हराना चाहते हैं ये। आप इनकी बातों में मत आइए। तो क्या सच में वो इतने पैसे देंगे कि मेरा बचा हुआ जीवन मैं आराम से जी लूंगी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आप कसम खाइए ना कि आप यहाँ से मेरे लिए बात करने डेविड के घर जाएंगे। अपने सर की कसम, यहाँ से सीधा डेविड जी के घर जाऊंगा। ठीक है, खुश। चलो निकलो, जाओ सब, चल जाओ। आरती घर चल। आरती ये क्या कर रही हो तुम? से सुंदर इंडिया में मुझे कोई नहीं दिखा। वो तो प्यार है मेरा, प्यार करता हूं मैं तुमसे। मैं तो कह दूंगा, मुझे तो प्यार हो गया था, मैं क्या करूं।
और देखना मेरी फैमिली तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, द्विपाटन के बीच में साबुत बचा जी। चुप भी नहीं हो रही है, कब से रोई जा रही है, कैसे चुप करा जाए उन्हें? नहीं कर सकते रमा, पश्चाताप के आंसू फिर भी रुक जाते हैं, लेकिन गुस्सा, क्षोभ और जब व्यक्ति ठगा हुआ महसूस करने लगे तब आंसुओं को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आरती जी के साथ वही हुआ है। रोने दो उन्हें। आज मुझे एक बात अच्छी लगी और चौंकाई भी। क्या? यही आरती जी में हम चौल की औरतों से ज्यादा हिम्मत है, ताकत है। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? तबीयत तो ठीक है ना जीजा भाई? आरती के मसले पर भीम जीतेगा क्या? जीजा भाई, जब व्यक्ति सोने के समय अपने बारे में सोचता है तो वो व्यक्ति सुखी है, खुश है। और जब व्यक्ति सोने के समय दूसरे के बारे में सोचता है तो नाखुश है, दुखी है। सो जा। दीदी, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि भीम ने ऐसी अंग्रेज द्वारा पीड़ित लड़की यानी आरती पहली बार देखी है। क्या आपने और मैंने ऐसी कोई आरती नहीं देखी? और क्या आपको नहीं पता दीदी, क्या ऐसी किसी आरती को कोई न्याय नहीं मिलता है? पता है जीजा भाई, सब पता है। इसी विश्वास को हिलाने की, तोड़ने की कोशिश हमारा भीम करता है ताकि किसी आरती को तो न्याय मिल जाए। और इसीलिए हम सब उसका साथ देते हैं और इसलिए हम सब सुकून से सोते भी हैं। दिलाइए विश्वास कि जिस प्याले में सुबह चाय पीते हैं उसी प्याले में एक दिन पूरा समंदर भर लेंगे। दीदी, इसे विश्वास नहीं बेवकूफी कहते हैं। और आपका लाडला भीम वही बेवकूफी कर रहा है और उसके साथ साथ आप सब भी वही कर रहे हैं। कुछ नहीं बदलेगा दीदी, कुछ नहीं बदलेगा। सो जा। देख तो क्या हालत बना रखी है तूने अपनी। और जब तुमने डेविड जी से लड़ने का ठान ही लिया है तो तुझे अपना और इस आने वाले बच्चे का दोनों का ध्यान रखना होगा। तू बस ऐसे बिना खाए पिए रोती रहेगी तो तुम्हारी सेहत, तुम्हारे इस बच्चे की सेहत दोनों की खराब हो सकती है। जा, जा करना हाल है।
तब तक मैं कुछ खाना बना देती हूँ। सब कुछ तो वही छूट गया दीदी, कुछ भी तो नहीं ला पाए, न सपने न खुशियां न कपड़े न इज्जत, कुछ भी नहीं ला पाए। वैसे ठीक हूँ दीदी, वैसे ठीक हूँ। जा मेरी साड़ी लेकर पहन ले और इतना अफसोस मत जाता, मेरा पति भी तो मुझे छोड़कर भाग गया था ना, तो जी रही हूं ना मैं, तुझे भी जीना पड़ेगा। जा। और मैं आप दोनों के लिए चाय बना देता हूँ, तब तक मौसी आप नहा लीजिए। आरती जा। दिल कहता है कि एक न एक दिन भीम और रमा के नाम पर भी सड़कें और चौराहे बनेंगे, क्योंकि क्योंकि ये वो लोग हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने दूसरों को रास्ता दिखाया है उन्हीं के नाम चौराहों पर लिखे जाते हैं। अरे गली चौराहे पर नाम लिखने की बात कर रही है तू, और जबकि तू खुद मुंह काला कर कर आई है। क्या दिन आ गए है, एक बिन बिहाई लड़की पेट से होकर यहाँ आ गई और हमको सिखा रही है। ए, चुप रहो। क्यों चुप रहूं? इसको तो यहाँ रहने का भी हक नहीं है, इसके ऊपर किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की थी, ये अपनी मर्जी से गई थी। कल तक ये इस चाल में कैसे आती थी, देखा है ना आप सबने इसको, फिर आज इसके लिए किस बात की दया और किस बात का न्याय? अरे पंचायतियों। प्रणाम मालिक। ये तुम्हारी ये सड़क चौराहे नदी नाले वाली महत्वपूर्ण पंचायत हो गई हो तो थोड़ा दरोगा साहब की बातें सुन लेते। आरती, आपके खिलाफ FIR लिखवाई गई है। कैसा FIR? एक आदमी ने आपके खिलाफ लिखवाया है कि आप उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। क्या? और उसके बच्चे को पेट में लिए आप उसके पास से भाग गई। क्या ना रहकर रोजाना यहाँ से आ जाकर वहाँ काम करेंगे ताकि बच्चे को साथ में पाल सकें। क्या बकवास कर रहे हो, शर्म नहीं आई ये बोलते वक्त? गर्व महसूस कर रहा हूँ, एक ऊंची जाति का होकर तुम्हें अपना रहा हूँ। लगता है डेविड जी ने कुछ ज्यादा ही पैसे खिलाए आपको। आरती को भी बहुत पैसे मिल सकते हैं, मुझे बच्चा गिरा दो। दरोगा साहब, अब ये सब इनका आपस का मामला है, हम क्यों यहाँ अपना कीमती समय व्यर्थ करें? हाँ, एक बढ़िया चाय नाश्ते की दुकान है चौराहे पर, चलकर वहां चाय नाश्ता करते हैं। बाकी इन्हें इस भीम रमा के नाम पर जो भी सड़क चौराहा नाला नाली जो बनाना है बनाने दीजिए। लो, अभी कुछ देर पहले नायक और नायिका की बात कर रही थी और अभी खुद रो रही है।
शोभा सोच लो, डेविड के एक चाल ने तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए। हितेश काका, एक चाल चल देने से किसी के रास्ते बंद नहीं होते। न्याय दब नहीं जाता, सत्य छुप नहीं जाता। हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना होगा। आरती, डेविड सर की बात मान लो, नहीं तो तुम्हारे कारण ना दीपक और शोभा का जीवन खराब हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ना डेविड सर का कहर ये चौल वालों पर भी बरसेगा। तो जानती हो आरती की डेविड सर कुछ भी कर सकते हैं। देखो इसीलिए समझा रहा हूं। हाँ, और ये फलों की टोकरी ले लो, और ये फलों के बीच में ना बच्चा गिराने की दवा है वो पी लेना, और सुबह जाकर वो केस वापस ले लेना। और हाँ, ये फलों के नीचे ना बहुत सारा पैसा है, सब तुम्हारा। ठीक है, मैं सुबह आऊंगा। ठीक है, लो। हेलो, सुबह आऊंगा। आरती, आरती, आरती दरवाजा खोल। आरती, आरती जी, आरती जी, आरती खोल दरवाजा। आरती, आरती जी, आरती खोल दरवाजा। क्या हुआ, दरवाजा खोलिए। डेविड सर की बात मान लो, नहीं तो तुम्हारे कारण ना दीपक और शोभा का जीवन खराब हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ना डेविड सर का कहर ये चौल वालों पर भी बरसेगा। फलों के बीच में ना बच्चा गिराने की दवा है वो पी लेना। आरती दरवाजा खोल। आरती जी दरवाजा खोलिए। आरती खोल, दरवाजा खोलिए। आरती जी, आरती, आरती जी, आरती खोल दरवाजा। फलों के नीचे ना बहुत सारा पैसा है, सब तुम्हारा। देखो देर हो गई। अच्छा भीमराव, बहुत समझदार बनता है ना तू, सोच समझ कब क्या करना है। मैं चलता हूं। फलों के बीच में ना बच्चा गिराने की दवा है वो पी लेना। तुमसे सुंदर इंडिया में मुझे कोई नहीं दिखा। वो तो प्यार है मेरा, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। बता ना क्या कहना चाहती है। ये दवा है
जिसे पी लूंगी तो दुनिया की नजर में जो पाप है वो पेट में ही मर जाएगा। जबकि मैंने तो बस प्रेम किया था, अपनी बातों से मुकर वो गया, बदल वो गया और लांछन सिर्फ मुझ पे लगा। और ये पैसे हैं, इतने पैसे जिससे मेरा, दीदी का, दीपक का जीवन शायद अभी से अच्छे ढंग से निकल जाएगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि मुझे ये दवा पीनी होगी और अपना बच्चा गिराना होगा और तभी ये पैसे मेरे होंगे। अब आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए। देखो आरती, अब तो मैं डेविड के यहाँ काम भी नहीं करता हूँ, इसलिए ये मत समझना कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। मैं जो कुछ भी कहूंगा अपने अनुभव से कहूंगा। बहुत दुनियादारी देखी है। एक तरफ वो बच्चा है जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है और दूसरी तरफ तुम्हारी ताई, दीपक और हम सब हैं। तो मेरी समझ में तुम्हें पैसे ले लेने चाहिए ताकि जो बचे हैं उनका जीवन संवर जाएगा। आरती जी, मां के ममता का चुनाव लोगों के राय पर नहीं किया जाता। मुझे लगता है कि प्रेम करने का फैसला आपका था। आपके पेट में एक नन्ही सी जान है, उसको क्या करना है ये आप पर निर्भर है। हाँ आरती जी, और इस मसले में मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद कोई भी आपको राय नहीं दे सकता। ये मेरे घर का मसला है। नहीं आई, आप नहीं जाएंगी। भीम भैया रमता ही सही कह रहे, आप मौसी के पीछे नहीं जाएंगी। उन्हें उनकी लड़ाई लड़नी है तो लड़ने दीजिए। सब बर्बाद हो जाएगा। सब लोग नील की खेती करना सीख गया ना? ये मालिक, हमारे आदमी तुम्हें खेत तक लेके जाएंगे। नील की खेती करना शुरू करो। जाओ। रुकिए। ये एक एक मिठाई का डब्बा आप सबके लिए। अरे खाइए, सबसे महंगी वाली मिठाई है, खाइए सब। ये मिठाई किस खुशी में? मेरे पेट में इनका बच्चा है, इस खुशी में। तुम सब लोग अपना अपना काम करो। बकवास कर रही है ये लड़की, पागल है ये। जा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आए जितना ड्रामा कर लो,
आपने जो मुझे पैसे भेजे थे उनमें से कुछ पैसों की मिठाई मैंने यहाँ बांट दी और बचे हुए पैसों की मिठाइयाँ मैं पूरे शहर में बंटवा दूंगी। इससे क्या होगा? लंदन तो नहीं जा पाएगी, पर सोचा यही बंबई में लोगों को मिठाई खिला देती हूँ और साथ के साथ इनसे ये भी कहूंगी कि किस खुशी में मिठाई खिला रही हूँ। अब आप इसे नाटक समझिए जो भी कुछ, लेकिन ये बच्चा तो मैं पैदा करूंगी चाहे जो कुछ भी हो जाए। सही कह रहा था वो नवरत्न कि ये भीमराव किसी में भी हवा भर के उड़ा देता है। गलत कह रहा था वो, भीमराव तो सबको जमीन से जुड़कर मजबूती के साथ खड़े होना सिखाता है, ना कि हवा में उड़ना। सर आपका प्रमोशन लेटर आ गया।